अब सर कंपनी वेटेड सीएनजी ली ना, तो मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप नई गाड़ी में सीएनजी नहीं डाल सकते। तो होंडा वालों का क्या रिएक्शन था यार, लाते ही लगा लिया ऐसा कुछ कुछ बोला उन्होंने? सर सब हैरान थे बोलते सर क्या कर दिए, और मेरे को मतलब इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश भी कर रहे थे गाड़ी का नाश हो गया मेरा एक ही जवाब होता था यार, मैं नाश नहीं करता, मेरा खर्चा उठा लो। हाँ। मैं जो फुल साइज बैग आते हैं, हाँ। इतने चौड़े होते हैं, तो हाँ। ऐसे मैं चार बैग लेके चला उसमें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज की वीडियो में हमारे पास है होंडा सिटी। एक साल में मात्र ये 17,000 किलोमीटर चल चुकी है और पेट्रोल के प्राइस इतने ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है ओनर के लिए, क्योंकि इसमें सीएनजी लगी हुई है। और होंडा सिटी सीएनजी में कैसी चलती है, कैसा परफॉर्मेंस है, फिफ्थ जनरेशन क्यों नहीं ली, सारी बात पूछेंगे आज। जो है प्रियंक भाई की ये गाड़ी है, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हाय एवरीवन। तो प्रियंक, आपने लेनी मतलब एक तरह से सीएनजी ही थी गाड़ी की, भाई सीएनजी लेकर के मतलब कि पेट्रोल गाड़ी लेते ही सीएनजी करवानी उसको? जी सर। तो कंपनी फिटेड सीएनजी की तरफ नहीं गए किसी भी? सर कंपनी फिटेड थी मेरे पास, तो मैंने क्या 2017 में जब जॉब शुरू हुई थी मैंने सिलेरियो ली थी कंपनी फिटेड। ओके। उस टाइम पे भी बहुत इधर उधर देखा था, टियागो उस टाइम लॉन्च हुई हुई थी, टियागो भी ऑप्शन था, बट मेरा भाई बोला कि भाई तू खर्चा नहीं संभाल पाएगा पेट्रोल का, अभी अभी जॉब लगी है। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, क्योंकि उस टाइम मैं भिवाड़ी से हौज खास अप डाउन करता था, तो दिन का 150 किलोमीटर होता था आराम से। तो उस टाइम कंपनी फिटेड सीएनजी ली। अब सर कंपनी फिटेड सीएनजी ली ना, तो मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप नई गाड़ी में सीएनजी नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि जब कंपनी इतना बड़ा ओईएम लगा के दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैटर ऑफ कि आप फिटिंग कहाँ से करा रहे हो, कैसे करा रहे हो। सिलेरियो थी, बट लेते टाइम ही मैं श्योर था कि मैं इसको लंबा नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि सर मेरे को गाड़ी में स्पेस चाहिए, ठीक है, मेरे को कंफर्ट चाहिए, ठीक है, एंड पावर ऑब्वियसली। तो ये तीन चीजें सर, फिर देन थोड़ा पैसे के बजट में भी हो। चलो ये चीज तो हम देखेंगे चला करके, जब सीएनजी मोड के ऊपर इसको चलाएंगे कि कितनी तगड़े तरीके से इसमें फिट करी गई है सीएनजी की, कितना आपको कैसी लग रही है पेट्रोल और सीएनजी में क्या फर्क है? मैं सर फर्क तो ऑब्वियसली देखो अच्छा खासा फर्क है, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि जिसने कभी होंडा सिटी चलाई नहीं ना, जिसने कभी आज तक नहीं चलाई, वो सीएनजी पे चलाएगा तो वो नहीं बोल सकता कि ये सीएनजी पे लाइक है। अच्छा ये बताओ कि यार आजकल कॉम्पैक्ट एसयूवी का जमाना है, उसके बाद आपने सेडान में जाकर इतना ऐसा डिसीजन क्यों लिया आपने? सर कॉम्पैक्ट एसयूवी नो डाउट, आप प्रैक्टिकल बात बोल रहे हो, बट सर मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है सर, सारी की सारी ओवर प्राइस। आप 7-8 लाख रुपए दे रहे हो, उसके बाद भी आपको ना तो उतना स्पेस मिल रहा है, फिर आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल जाते हैं, फिर आपको पावर डिलीवरी उतनी नहीं मिलती, और मिलेगी भी तो वो मिलेगी टर्बो वेरिएंट इन सब में, और वहां पे भी सर फिर अगेन 3 सिलेंडर दे दिया इंजन में, इतनी पावर डाल दी। हाँ। तो पता नहीं उसकी रिलायबिलिटी क्या होगी, क्योंकि टर्बो इंजन का अभी तक बुढ़ापा देखा नहीं है पेट्रोल में किसी। ये तो है। ये कितने की पड़ी थी आपको? सर ये 10,15,000। अच्छा, इस जेन पे क्यों नहीं है? सर बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन पूछ लिया आपने, ठीक है। तो फिफ्थ जेन सर देखो, एक तो है ना वो गाड़ी देख के समझ नहीं आता है कि वो चेसी पे लगी कैसे, उसकी सिमेट्री नहीं है उस गाड़ी। सेकेंड सर इसकी लुक ज्यादा बेटर लगती है उससे, ये तो है, क्योंकि ये सर वो पूरी फिट लगती है गाड़ी, ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ अलग निकल रहा है या कुछ ऐसा। ड्राइव करी थी आपने? ड्राइव करी थी सर। ड्राइव करने में मेरे को उसका इनिशियल रिस्पांस इतना बेटर नहीं लगा जितना इसका है। उससे मैंने उनसे पूछा भी था तो देवर लाइक कि सर इसमें BS6 होने की वजह से है ना, इनिशियल थोड़ा सा इन्होंने पिकअप हल्का सा, मतलब आप एक्सीलरेटर दबा रहे हो तो एकदम से नहीं उठेगी, जब वो पूरा प्रेस करो तब वो उठेगी। तो BS6 तो ये भी है। मैंने वही बोला, मैंने जब उनसे बोला सर अब इसमें क्या है, ये क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ये मेरे पास टेस्ट ड्राइव के लिए बहुत लेट आई थी, बुकिंग करने के बाद मैंने इसको चलाई थी, क्योंकि उनके पास ये सिर्फ खड़ी हुई थी। उन्होंने बोला सर टमी मॉडल नहीं है हमारे पास, तब मैंने चलाई जब बुक करने के बाद, तब मैंने कहा सर इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो BS6 का क्या लॉजिक हुआ, तो वो उनके पास भी जवाब नहीं था सर। तो अभी क्या है कि सीएनजी उन्होंने आते के साथ लगा दी थी, और ये बताइए कि सीएनजी ऑन पेपर हो चुकी है? हाँ जी। तो कोई इशू नहीं आया, क्योंकि अभी तो दिल्ली के अंदर अप्रूव नहीं हुई है? सर मेरा गुड़गांव नंबर है। अच्छा, गुड़गांव नंबर में प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है। हाँ। दिल्ली में, हाँ मेरे को जब लगा रहा था तो उसने मेरे को बोला था सर दिल्ली NCR में प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने कहा सर अब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा कुछ ना कुछ, तो उन्होंने करवा दिया था, कोई मेरे को परेशान नहीं किया, एक महीने में उन्होंने मेरे को RC ला के दी। कितने में लगी आपकी सीएनजी कॉस्ट?
सर मैं देखो क्योंकि नई गाड़ी थी है ना, और मेरा था कि मेरे को हैसल नहीं पालनी, क्योंकि मैं एक बार i10 पे पाल चुका हूँ हैसल CNG के अंदर, बहुत चक्कर कटे थे। तो मेरा ये था कि सर मैं एक बार पैसा लगाऊंगा, ना मेरे को बार बार चक्कर काटने हैं और ना मेरे को कोई दिक्कत चाहिए, क्योंकि नई गाड़ी वारंटी में खत्म कर ही रहा हूँ। तो मैं सर सबसे टॉप पे गया था, मैं लोवेटो OBD2 पे गया। अच्छा, मेरे को वो टोटल RC पे सब मिला के 54 की पड़ी। तो कैसा रिस्पॉन्स है उसका, मतलब कैसी लगी आपको, बाकी इससे पहले भी जो आपके पास CNG गाड़ियां थे उसके कंपैरिजन में कैसा रहा? सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सच बता रहा हूँ, एक भी मेरे को एक बार भी प्रॉब्लम नहीं आई। एक बार हाँ ये जरूर हुआ था कि इसमें स्पीडोमीटर में चेक इंजन लाइट आ गई थी। अच्छा, तो अभी ये लास्ट वीक की बात है, तो इसके लिए फिर मैंने उनको फोन करा, उन्होंने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेट ही कर रहा था कि आप मुझे फोन करोगे, क्योंकि हमने भी ट्रायल बेसिस में मतलब OBD2 लगाई। हाँ, उन्होंने बोला कि हमने OBD2 लगाई है तो हम ऐसे श्योर थे कि चल जाएगी, बट कहीं ना कहीं दिमाग में था कि आ सकती है। वो कोई बोल रहे थे कोई हार्डवेयर लगता है अपने कैटेलिक कन्वर्टर के पास, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर होता है वहाँ पे कोई हार्डवेयर लगता है, तो उन्होंने बोला कि सर वो आप लगवा लो। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है सर, मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास ऑफ सैटरडे संडे होता है, वो साहब हैं गाजियाबाद और उनका सैटरडे संडे ऑफ होता है। हाँ नहीं, तो मैं अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग होंडा गया, उसने बोला था आप किसी भी CNG वाले पे चल दो, उसके पास पार्ट होगा तो वो कर देगा। मैंने कहा पहले एक बार होंडा जाता हूँ, होंडा गया तो वहाँ पे मैंने मतलब ऑब्वियसली भिवाड़ी में जान पहचान है थोड़ी बहुत, तो मैं गया, मैंने बोला यार ऐसे ऐसे ये दिक्कत है, तो उसने बोला सर पेट्रोल पे CNG पे? मैंने कहा CNG पे, बोला सर नॉर्मल है तो, मैंने कहा नॉर्मल तो है अब ठीक करो इसको, तो उसने कुछ नहीं, उसने बैटरी का तार निकाला, उसके इनके कुछ कोड होते हैं इग्निशन वाले ना, तो 5 बार उसने ऐसे ऐसे कुछ किया और कहा अच्छा पैसा स्कैनिंग लगा करके भी वो कोड डिलीट कर देते। स्कैनिंग तो सर उसने मैंने बोला था, तो उसने बोला कि सर स्कैनिंग तो बात का मतलब ये अगर फेल हो जाता है तो हम स्कैनिंग पे जाते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है, हर कोई कर सकता है इस तरह। तो कितने पैसे बचा रहे हो आप इसमें CNG लगवाने के बाद? सर मैंने पेट्रोल पे सिर्फ 3,000 चलाई थी, ठीक है, नई नई गाड़ी। उस टाइम पे सर एवरेज जो मेरे को, क्योंकि ऑफिस उस टाइम बंद थे, लोकल इतना चलना नहीं होता था, तो हाईवे पे मैं जयपुर ये चला हूँ, तो मैक्सिमम सर मैंने जो एवरेज निकाली है वो 17 मैंने निकाली, क्योंकि हाईवे पूरा खाली होता था कोविड के चक्कर में, किसानों के चक्कर में, तो क्रूज पे चलता था मैं तो मेरे को 17 की एवरेज दी है इसने। बट हाँ ऑन रोड अगर मैं देखूँ पेट्रोल पे सिटी के अंदर तो 11, 11.5, अभी मेरे को 23 का एवरेज निकाल दिया CNG के अंदर। एक टैंक में कितनी चल जाती है, रेंज क्या आती है आपकी? सर 14 किलो का टैंक है, 14 किलो के टैंक में मैक्सिमम इसमें आती है यहाँ के प्रेशर के हिसाब से 8 किलो। हाँ। उसमें सर 200 तो मिनिमम चलती है सिटी में, सिटी में मतलब निकालती है सारी जो है। हाँ, सर, मारुति वाली भी जो था, मारुति में सर टैंक छोटा हो जाते तो वो एवरेज ज्यादा है, 200 तो वो भी चलती है मिनिमम। एक बार इसका जो है पीछे बूट दिखा देते हैं आपको कि कितना स्पेस बचता है, गाड़ी बिल्कुल नई नवेली है, देख सकते हैं आप। तो बूट में आप देख सकते हैं काफी, एक नॉर्मल हैच बैक से थोड़ा सा ज्यादा इसमें स्पेस बच जाता है। सर मैं अगर आपको बताऊं इसमें कितने लोगों का सामान मैं लेके चल चुका हूं, हाँ। मैं जो फुल साइज बैग आते हैं, हाँ। इतने चौड़े होते हैं जो, हाँ। ऐसे मैं 4 बैग लेके चला हूं इसमें। अच्छा। और उसके बाद भी कॉर्नर्स में आपकी स्पेस रहती है हल्की हल्की, क्योंकि हाइट है ना सर, तो एक के ऊपर एक आ जाता है। कभी जैसे आप घूमने घामने जाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि इतना लोड लेके चलते हैं आप, तो लगती नहीं है कहीं से ये गाड़ी? सर मैंने ये करा था जब CNG सिलेंडर लगवाया था ना, हाँ। तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, तो मैंने सर इसमें वो जो रबड़ वाले वो आते हैं ना शॉकर के बीच में बफर, हाँ। वो मैंने इसमें लगवाए थे ताकि मेरा शॉकर ना बैठे और दबे ना गाड़ी, तो कहीं नहीं दबती है। जो कंपनी फिटेड जो CNG आती हैं उनके सस्पेंशन उसी हिसाब से ट्यून किए जाते हैं, ये भी एक फर्क तो होता ही है। खैर अभी इस गाड़ी को चला करके देखते हैं, वैसे CNG की लाइनें तो धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो गई होंगी। सर बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है, पता है गुड़गांव में भीड़ नहीं मिलती, लाइनें बढ़ गई है। नहीं 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 गुड़गांव में बहुत इंप्रूवमेंट है, ऑल्दो क्योंकि पैसा भी ज्यादा है यहाँ पे, दिल्ली से 10 रुपए ज्यादा होता है, बट यहाँ पे गुड़गांव में लाइन नहीं मिलेगी आपको, अदर देन हाईवे आपको लाइन नहीं मिलेगी, आपको मुश्किल से 5 या 6 मिनट का होल्ड होगा, सुपर होल्ड। ज्यादातर टैक्सी वाले जो गुड़गांव से भी बिलोंग करते हैं वो भी दिल्ली में डलवाते हैं यार, 10 रुपए का फर्क आता है, तो उनको तो काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अभी भाई CNG में देखते हैं कैसे चलती है, इनिशियल कोई हिकअप्स नहीं है, हल्का सा शुरुआत में महसूस तो हुआ, लेकिन एक बार जब स्पीड गेन कर ली ना तब उतना ज्यादा महसूस नहीं हो रहा। ये सुख तो है होंडा सिटी के अंदर CNG के साथ। अच्छा इसमें सिर्फ मैनुअली नहीं CVT जो है वो भी कामयाब है आपके? और अभी हम 4 लोग बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, उसके बावजूद भी ठीक ठाक चल रही है। पेट्रोल वाला पिकअप ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा है। तो कभी इसमें मिसिंग की प्रॉब्लम नहीं है जैसे आपने नई चीज ट्राई करी थी? नहीं सर मिसिंग की प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरा रीजन ही ये था ना OBD2 पे जाने का कि यार मतलब एक भी कमी ना छोड़ो कि, और ऊपर से OBD2 में सर
फर्क भी कितना पड़ रहा था, 20,000 रुपए का फर्क पड़ता है सारा मेरे ख्याल से, तो क्यों टेंशन पाल ली फालतू। अच्छा यार ये चीज बता रहे थे बीच में कि कुछ जो सीएनजी सिलेंडर और ये सारी चीज मिलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है आजकल लोगों को, ये इजीली मिल पा रहे हैं। आप, मैं बोलूंगा आप एक रेप्यूटेड बंदे पे जाओ, ठीक है, जिसका ऑब्वियसली एक अच्छा खासा बेस है, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं देगा वो। ओके, वो सर खुद मतलब इस तरीके से काम करता है कि कस्टमर ओरिएंटेड हो गए। अब वो बात है देखो ऑब्वियसली है कि जब इतने ज्यादा वो ओरिएंटेशन दिखा रहा है तो वो सर थोड़ा सा पैसा चार्ज ज्यादा करेगा, आपको मार्केट ज्यादा पैसा लगेगा, बट फिर एक दिमाग से टेंशन भी नहीं है कि यार बिल्कुल बार बार भगना है, ये है वो है, बिल्कुल बिल्कुल हैरेसमेंट भी होती है जब ये सब रोड पे चीजें हो जाती है आपके साथ। अच्छा इसका जो एसी जो टेम्परेचर वाला है वो भी टच वाला है, तो आपको आदत हो गई है, थोड़ा सा अजीब लगता है अभी भी? सर ये बेस मॉडल है आज के टाइम पे ये बेस मॉडल है, और जब मतलब मैंने एक्चुअल में क्योंकि मेरे को लेनी होंडा सिटी थी, जब और कोई लेनी नहीं तो मैंने और भी गाड़ी ट्राई भी नहीं करी थी। जब मैं इसको एक्चुअल में मैंने सामने देखा था उस टाइम पे मैं हैरान था, बुकिंग के बाद देखा था मैं हैरान था, मैं अलॉय भी दे दिया, क्रूज भी दे दिया, सिस्टम भी दे दिया, सेंट्रल वो भी दे दिया, ऑटोमेटिक एसी भी दे दिया, मैं और क्या दोगे बेस में यार। अब तो मेरे ख्याल से ये वाला स्टॉक खत्म ही हो गया होगा इनका, या है देखो जब साथ साथ बिक रही है, मैंने लिया था। अच्छा आपने इंश्योरेंस वगैरह करवाया है? हाँ जी। वो कितने का पड़ा आपको सर, इंक्लूडिंग था? नहीं 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 सर, वो सीएनजी की प्राइस मतलब सीएनजी जितनी की किट लगती है, जितनी इनवॉइस होती है, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज होता है इंश्योरेंस वालों का, तो मेरे को सर कुछ 1,500-2,000 रुपए कुछ लगे थे। और सर वारंटी का भी है ना, मतलब मेरे को काफी लोगों ने बोला था यार तू नई गाड़ी में सीएनजी लगा रहा है, वारंटी खत्म ही हो रही है, तो मैंने लेने से पहले ये सब रिसर्च करी थी, और ये फैक्ट है कि होंडा सिटी इज प्रूवन इंडिया के अंदर, एक डेकेड से चलती आ रही है, तो मतलब कोई प्रॉब्लम देखी नहीं। तो कभी जैसे आप सर्विस पे लेके गए तो होंडा वालों का क्या रिएक्शन था, यार लाते लगा लिए ऐसा कुछ कुछ बोला उन्होंने? सर सब हैरान थे, बोलते सर क्या कर दिए, और मेरे को मतलब इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश भी कर रहे थे, गाड़ी का नाश हो गया। मेरा एक ही जवाब होता था यार मैं नाश नहीं करता, मेरा खर्चा उठा लो। सही बात है, गाड़ी चलाने के लिए लिए चलेगी नहीं तो फिर क्या फायदा। मेरे हिसाब से तो आपने 17,000 गाड़ी चला ली है तो रिकवर हो गई होगी, रिकवर कर ली मैंने, एक साल भी नहीं हुआ गाड़ी को, और सीएनजी को रिकवर कर ली, और ये इंजन बड़े प्यार से 2-3 लाख चल जाते हैं सीएनजी के अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आती है फ्यूचर में, बीच बीच में पेट्रोल में चलाते रहो। अब पेट्रोल में करके देखता हूँ, पेट्रोल की तो बात ही अलग है सर, एक बात तो पड़ेगा भाई, आप ड्राइव ही करना ही है चीज, सीएनजी पे भी आईवी टेक की किक मिलती है। पैसा बचाओ अभियान में सक्सेसफुल है गाड़ी। जो नई वाली है ना उसमें कैबिन नॉइज भी आपको काफी ज्यादा, ये मतलब मैं आपको नेगेटिव्स बता देता हूँ थोड़े से ना, जो मेरे को बहुत ज्यादा फील हुए। तो सर इसका कॉम्पिटिटर वरना आता है, सियाज आता है, तो सियाज को तो मैं लाऊंगा नहीं क्योंकि मारुति है, वरना को हम ला सकते हैं बीच में। तो सर जैसे इसके मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़े से कम अच्छे लगे, इट कुड हैव बीन मोर एडवांस्ड एज पर द करंट सिनेरियो, 2021 के हिसाब से ज्यादा एडवांस हो सकते थे। सेकेंड सर इसमें रैटलिंग नॉइज थोड़ी ऐसे फील होगा आपको गड्ढों में ना कि हल्की हल्की आवाज आ रही हो रही है, तो होंडे उस चीज में बहुत ऊपर है एनी डे। देन इंसुलेशन इसका मतलब मेरे को होंडे का ज्यादा अच्छा फील होता है, ऑब्वियसली ये कुछ काफी लेवल की गाड़ियों से ऊपर है बट होंडे का ज्यादा बेटर है, क्योंकि घर पे मेरे पास क्रेटा है वरना भी है, तो उनसे तो बहुत मतलब उनका बहुत बेटर है इससे। बाकी सस्पेंशन में ऑब्वियसली ये ऊपर है, कंफर्ट में ये ऊपर है, स्पेस में ये ऊपर है, बहुत सारे फैक्टर्स है, तो मेरे लिए ऊपर वाला ज्यादा ऊपर जा रहा था जो मेरे को जरूरत थी, तो इसीलिए मैं वरना और इन सब की तरफ गया ही नहीं। अच्छा रोहित 6 फीट का व्यक्ति है और आप? सर 5'10" 5'10" के हैं, स्पेस तो पता ही है सबको लगभग, और मैं 6'4" का हूँ, मेरे पैर यहाँ पर 1 इंच की दूरी पे है डैशबोर्ड से, और पीछे स्पेस बहुत स्पेस है अभी इतना देख रहा हूँ। आपकी हाइट? 5'8" मैंने इसको जो है शुरुआत से पेट्रोल में लिया है। इसको कहीं पहाड़ पहाड़ों की तरफ भी लेके गए हो क्या? अभी 2020 में ली है, अभी तक मौका नहीं मिला लॉकडाउन की वजह से। हाईवे पे ही आपने चलाई है? हाईवे पे तो हाँ सर। गियर नॉब बड़ी खतरनाक लगाई है अपने यार ये। सर इसकी भी कहानी है, मतलब टूट गया था? नहीं नहीं सर, होंडा की एक क्वालिटी इशू है, इन्होंने जो पहले दिया था उसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार थी, तो अच्छा वो अमेज में भी सेम वही आता था पुराने वाले में, आपको ध्यान होगा सर, रिंग पहनी हुई थी हाथ में, गियर लगा रहा था, स्क्रैचेस भर गया वो पूरा। अच्छा अब चेंज करना था तो मेरे को इससे बेटर कोई समझ नहीं आया। तो देखो अगर आपको हाईवे पे ही चलना है और
साफ सुथरी सड़कों में चलना है तो 10 लाख के अंदर ये बहुत अच्छी गाड़ी है। नो डाउट सीएनजी में भी काफ़ी अच्छी चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी बन जाती है सीएनजी इंस्टॉल होने के बाद। एक चीज मैं बताने चाहूंगा कि अगर इस टाइप की गाड़ी आप नहीं खरीद रहे हो, उसमें सीएनजी लगा रहे हो, उससे थोड़ा सा बेहतर डिसीजन क्या होता है कि आप 5-6 लाख के आसपास यूज होंडा सिटी उठा लेते, 6-6.5-7 में आपको बहुत अच्छी कंडीशन में होंडा सिटी मिल जाती, बहुत अच्छी कंडीशन में, उसके अंदर आप सीएनजी लगवाओ, कम चली हुई मिल जाती, उसकी भी मतलब कि वारंटी तो इसकी भी आपने लगाते ही खत्म कर ली है और वो सारी चीज, आपकी किस्तें भी जा रही हैं, ठीक है, तो वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा वो चीज हो जाती है। और यकीन करो साल भर के आसपास जो है वो गाड़ी भी वैसी दिखनी शुरू हो जाती है और ये गाड़ी भी वैसी दिखेगी। सर मैं आपकी बात से 110% एग्री कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी थॉट प्रोसेस वही था। लेकिन सर क्या होता है ना, एक घर में गाड़ी शादी की तरह होती है, एक अकेले की नहीं चलती, पूरी फैमिली की चलती है। जब पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है ना तो होता क्या है, अरे यार नहीं पुरानी लेगा, फिर चक्कर काटता रहेगा, सेकंड ओनर बन गया, सब दिमाग में ये सब कुछ नहीं होता है। आप सही बोल रहे हो, ये कर सकता था मैं और मेरे अच्छे खासे पैसे बच भी जाते इस चीज में, कोई डाउट वाली बात नहीं है। जिस बंदे को गाड़ी की नॉलेज है वो सेकंड हैंड ही लेता है, ऐसा नहीं है वो नहीं लेता, तो ये कर सकता था मैं साफ डेफिनेटली। आराम से 15-16 मॉडल मिल जाते हैं 6-7। मैंने देखे थे, मेरे को 6-6.5 के अंदर 2015-16 के मॉडल मिल रहे थे। चलो खैर ये भी कोई बुरा डिसीजन नहीं है, ये भी सही है भाई, गाड़ी आप लंबे टाइम तक रख रहे हो इसी 15 साल के लिए छुट्टी हो गई आपकी। इसके बाद इलेक्ट्रिक ही लोगे मेरे ख्याल से। नहीं इलेक्ट्रिक नहीं लोगे, अरे इलेक्ट्रिक का पिकअप अलग है। देख लिया सर, देख लिया। जब तक सर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा ना तब तक किसी दिन नहीं लूंगा। 15 साल में तो आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ लाने को 1 साल में ले आए, इनको करना क्या है, स्टेशन बनाने, बैटरी हाउस, बैटरी निकालो दूसरी लगाओ चलो सिंपल। अब वो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल कितने दिन में डलवाते हो यार? में एक बार 500 वो भी सर। हाँ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है होंडा सिटी के अंदर, इनफैक्ट होंडा सिटी में आईवीटेक इंजन के अंदर ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप सीएनजी पे चल रहे हो तो भी आपका पेट्रोल कम होता जाएगा, मीटर ऐसा है वो अपने आप कम दिखाता रहेगा। उसका हैक है ऑब्वियसली, आप थोड़ा बहुत फ्यूज निकाल के वापस लगा के रीसेट कर सकते हो। ये क्या बात हुई है, ऐसा सच में है क्या? हाँ सच में, ऐसा सच में। तो एक दिन तो फिर टंकी फुल हो जाएगी आपकी ऐसे करते। ये क्या होता है सर, आप टंकी फुल करा के चल रहे हो, ठीक है, आप सीएनजी पे चल रहे हो पूरे रास्ते, आपने अराउंड 300 किलोमीटर चले, 400 चले, वो टंकी धीरे धीरे कम होती जाएगी, बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जीरो दिखा देगा, मतलब एक डंडी से भी नीचे दिखा देगा, उसके बाद फिर 15-20 मिनट बाद दीवार शुरू बनना हो जाएगा। तो ये मजाक करती है, बहुत गंदा। तो दोस्तों ये तो होंडा सिटी का एक्सपीरियंस 2020 की थी और सीएनजी के साथ थी। काफी खुश है ओनर, काफी पैसा बचा रही है। प्रियांक जी ने काफी इनपुट दिए जिससे कि आपको हेल्प मिल सकती है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं आपका एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना तो जो ईमेल आईडी दी गई है हमें वहां पर कांटेक्ट करो, हम आपको कॉल करेंगे, मिलने का स्थान तय करेंगे और फिर ऐसे ही वीडियो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। दूसरों की बड़ी हेल्प होती है इस चीज से, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4-व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर 2-व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। थैंक यू सो मच प्रियांक। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।